मेरा बेटा रोटी भी नहीं खाता, मेरा बेटा पानी भी नहीं पीता, मेरा बेटा चावल भी नहीं खाता, मेरा बेटा थप्पड़ भी नहीं खाता, मेरा बेटा चाउमीन भी नहीं खाता, खाता हूँ तुम अरे खाता मेरा बेटा नोनू हैप्पी बर्थडे थैंक यू सेम टू यू सेम टू यू सेम टू यू सो हेलो आई एम हियर विद अ न्यू व्लॉग अगेन। इस बार थोड़ा जल्दी आ गई क्योंकि लास्ट टाइम की वीडियो मेरी थोड़ी सी चल गई थोड़ी सी, तो सोचा बना ही लेती हूँ, क्यों आलस करना, कहीं फिर से ना चले तो इसलिए। और मम्मी का बर्थडे है आज, सबने फॉर्मेलिटी से विश कर दिया क्योंकि मेरे घर में सबको विश करना अपने एक दूसरे को फॉर्मेलिटी लगती है, दैट्स वाई। बस ऐसे ही मम्मी ने खुद सबको बोल बोल के करवाया कि मुझे विश नहीं करोगे, तो हमने कर दिया। और अब भी ऐसा है, मैं मम्मी के लिए बना रहा हूँ केक विद बर्गर, मतलब साथ में नहीं खाएंगे, दोनों अलग अलग खाएंगे, बट यही दोनों बना रही हूँ। तो जब तक मैं बनाती हूँ तब तक मम्मी को दिखाऊंगी नहीं कि कैसा बना है, और गिफ्ट वगैरह का कुछ प्लान बना नहीं क्योंकि हम बैक टू बैक दो तीन दिन से कोई ना कोई मार्केट घूम रहे हैं, तो मम्मी ने गिफ्ट के नाम पर बहुत शॉपिंग कर ली, तो वो तो हो गया। इसलिए अब मैं केक बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है बट केक बनाना है क्योंकि बहुत पैसे फूके हैं सामान लाने में। एक तो अकेले पता नहीं मुझे क्या एक्सपेक्ट करते, कुछ नहीं आएगा, मैं बैठ जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ये सब ले आई, बर्गर के बंस हैं और दूध बिस्किट, कोको पाउडर, मेरे को दो तीन चीज़ें मिली नहीं जिसकी जगह मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूँगी, बट आई होप जैसे मैंने एनिवर्सरी पे केक बनाया था वैसा ना बने एट ऑल। आज वैसे मैंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करी, मैंने सब सामान ले लिया कि केक बस ख़राब नहीं होना चाहिए, आज स्पेशली अच्छे से बनाऊंगी सजा सजा के। तो लेट्स स्टार्ट, कुछ नहीं हुआ। अरे हाँ मम्मी तैयार भी तो करना, पहले बैठ लो मेकअप कर दूँ फिर, क्योंकि मैं एक बार कुकिंग में लगूँगी ना तो फिर मैं टिक के कुकिंग ही करूँगी, ऐसा आभास हो रहा है कि कोई आ जाए कोई आ जाए। तो मैं पहले मम्मी का मेकअप कर देती हूँ, ये गोरी कैसे लग रही हो। ओके चलो, ओके पहले हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। ये वाला ब्रश मैंने ब्लेंडिंग के लिए लिया था, इससे ब्लेंडिंग अच्छी हो जाती है। ये लो ये लगा लो, बेकार में बैकग्राउंड से शुरू करना, ऐसे करो बाल पीछे करने हैं ना, पीछे करो क्या बना रही है, मेरे बाल खींच रहे हैं सर पागल, क्या कर रही है, अरे दो ना वीडियो तो नहीं बना रही है, नहीं नहीं बना रही है, वो दूसरा होता है। हाँ पता है, हम गरीब हैं हमारे पास यही है। आपके फिर बाल मत्थे भी नहीं आएंगे ना फाउंडेशन, वरना बालों में भी हो जाए, बाल भी गोरे गोरे हो जाएंगे। बस बाल पीछे करने एक बार तक वीडियो मत डाली, तो क्यों नहीं क्यों मटा नहीं चलो मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फाउंडेशन लगाएंगे भर भर के ताकि फेस का बेस अच्छा हो, फेस का बेस लाइट कलर हो गया। मैंने अभी फाउंडेशन लिया, अभी खत्म हो गया, तो अब हम इसको ब्रश से ब्लेंड करेंगे।
से मेकअप को इतना मेकअप जितना करा है। अरे बहुत स्टार्ट करेंगे। साड़ी साड़ी पहनो वाली साड़ी दिखा दो, फिर मैं उस हिसाब से आई मेकअप करूंगी ना। तो ग्रीन और पिंक शेड मिक्स करके मैं आई मेकअप करूंगी। मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ क्योंकि भूख लग रही है और बनने में भी सब कुछ टाइम लगेगा। लिल बिट ऑफ आई शेडो, अब मैं आई लाइनर लगा देती हूँ, फिर मैं मस्कारा लगा दूंगी। फिर मुझे लग गई भूख। अब मैं आई शेडो के मट्टा दीदी मम्मी पर रखी है परी परी, उसके नीचे मैं थोड़ा सा काजल लगा देती हूँ। अजीब से सुंदर लग रहा। चुप रह, आंख बंद करो। ये पता नहीं क्या एमसी स्टैंड की जुल्फी नहीं होती हो, वैसे लग रहे हो ग्रीन ग्रीन। अरे मत, उसके बाल भी ऐसे चल रहे हैं। ऊपर देखो केक के लिए चॉकलेट आई थी, इसने चुरा ली एक। तो अब इसके चार हिस्से होंगे। मम्मी दिखाओ, बाल तो ठीक है ना। पापा नूनू जा रहे हैं वॉक पे और मैं तो शाम के बज गए 7 और मैं बहुत लेट हूँ। बट अब केक तो बनाना ही है। केक क्या बजे साथ में बर्गर बनाना है। मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ और जब तक मम्मी साड़ी वाड़ी पहन के तैयार होगी ये लोग आएंगे और आते ही बोलेंगे भूख लगी है। केक बनने में टाइम लगेगा। आई विश मैं जल्दी कर लेती। कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट।